अरे क्या हो गया भाई, क्यों चीख रहे हो काले खान? बहुत ज्यादा चीखने। आहा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। काले खान तुम ही मिलते हो हमेशा खड़े हुए जब भी ये अंडा देती हैं। अब मैं निकालूंगा फिर हाथ डालूंगा तू काटेगा, है ना? ये देखो 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 कैसे आ रहा दोस्तों, मेरे हाथ पे देखना कैसे आ रहा। ये देखो उड़ काटा साले ने यार, कैसे निकालूं इसको, हटाना पड़ेगा। एक हाथ से मुंह पकड़ना पड़ेगा, एक हाथ से अंडा निकालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह का वक्त, हम इधर आए और इसका अंडा मुझे मिल गया। नहीं, मैं जल्दी से निकाल लूँ, तोड़ देगा। चलो ये आने देने पहले। तो ये रहा दोस्तों इसका चौथा अंडा, माशाल्लाह थोड़ा छोटा है लेकिन सही है। बाकी ये भी रख देते हैं अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह से इसके अंडे जल्दी जल्दी जमा हो रहे हैं और चौथा अंडा आ गया हमारे पास। तो चलें, आ तो रहे हैं इंशाल्लाह जल्द से ये 11-12 जितने भी अंडे थे, फिर इसको बैठाते हैं कुड़क करके। चल हाँ बैठ गए ना, कोने भी बैठे रहना तुम। भाई काटता है यार हाथ से इतना गंदा। तो इसको रख देते हैं हम अपने बाकी अंडों के साथ दोस्तों इधर। जब ज्यादा हो जाएंगे तो एक डब्बे में रख देंगे और फिर देखते हैं, अगर ये ज़्यादा देती है तो फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ इंक्यूबेटर में रख देंगे और कुछ मुर्गी के नीचे वो कुड़क हो जाए। तो खैर दोस्तों, कल जो हमने काम करा था अधूरा रह गया था। एक हमारा जो फिंच है, गोल्डन फिंच, उसका घर कलर कर दिया था, वो उतार के लाना है मैंने। तो चलें चलते हैं उसे देखते हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया होगा, सूख गया होगा बिल्कुल। तो चलें जल्दी से ऊपर चलें और वो लेकर आएं, और आज लाजमी फिट करना है हमने। तो चाहिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो भाई आ गए। तो दोस्तों मैं अभी अभी घर आया, सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया था मूड, क्योंकि ऊपर जाना था मैंने, आप लोगों को दिखाना था वो, लेकिन मैं सामान लेने चला गया छत का। तो दोस्तों ये नहीं चांद मसाले, इसके अंदर नहीं है हमारा। तो ये सारा का सारा था दोस्तों, तरपाल लेकर आया हूँ और उसके साथ जितनी भी चीज़ें लगानी है वो सारी की सारी। तो अभी इनको ले आके छत पर रखता हूँ, इंशाल्लाह कल सेटअप करते हैं। यार इसको तो मैं रख दूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अब हमारे पास दो तरपाल हो गए, एक हमारा ये रहा और एक ये रहा। तो इसके साथ जो है मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आया हूँ। ये देखें रस्सी, कुंडे, और ये जो है ये हमारे काम आएंगे दोस्तों। जो हम बांस लगाएंगे ना, तो ये बांसों में टिकाया जाएगा ताकि बांस जो है वो सही से जम जाए। ये लग के कैसे लगेंगे कल ही दिखाऊंगा आप लोगों को। खैर बाकी हम जा रहे हैं अपना फिंच का घर देखने, और आज फिंच का घर लाजमी लगाना है। तो चलें ऊपर चलते हैं और फिंच का घर लेकर आते हैं। चलो भाई देखें अपना घर दोस्तों, के घर की क्या कंडीशन है यार। ये रहा हमारा घर। तो माशाल्लाह दोस्तों देखें, बिल्कुल सूख साख के अच्छा खासा हो गया है। एक हाथ और पड़ जाता तो शायद ये और भी अच्छा हो जाता, पर खैर चल जाएगा, नीचे जाके डार की दिखेगा सबको। तो चलें इसको फिंच के घर में लगाते हैं और फिंच को सरप्राइज देते हैं, हमारी जो गोल्डन फिंच है। जल्दी से चलते हैं उसके पास। चलो 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 चलो, सारे उधर जाओ, इधर आ जाओगे फौरन। एक चीज़ दोस्तों और, टेम्परेचर ख़राब होने की वजह से और जो गर्मी एकदम पड़ रही है और एकदम हवा चेंज हो रही है, रात को ठंड हो रही है। तो कल तो मैंने दवाई वगैरह इन सारों को दे दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सेट हैं बर्ड सारे के सारे, पर हमारे जो कंधारी बच्चे हैं वो अभी काफ़ी छोटे हैं। तो उनके लिए अब मैंने उनको ढक के रखना है। वजह ये दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं और उनको हमने खुला गलत रखा हुआ था, ये मेरी भी थोड़ी सी बात अब समझ आई मिलना नहीं यार। और तो बस अब वो ढके ही रहेंगे थोड़ा, तो उन्हें कुछ दिनों बाद मैं सेटिंग से निकालूंगा। खैर चलें इसका ये लगा दें। अभी मैंने बोला कि शायद ख़राब हो गया यार कसम से पता नहीं मुझे ऐसा लगा। बाकी दोस्तों उस टेम्परेचर की वजह से मैंने इनको भी ढकना शुरू कर दिया। ये देखें ये चादर, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक इन दो पर आ जाती है। फ्रिंज पे भी मैं ढक देता हूँ एक कपड़ा, क्योंकि फ्रिंज को बहुत ज़रूरी है ढकने की। फ्रिंज जो है हमारी वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। फ्रिंज बहुत हल्की होती हैं, जावा हो कोई सी भी नस्ल की हो, फ्रिंज बहुत हल्की होती है। हमको यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज रखेंगे और अपनी गार्डनिंग, हाँ ये सारी गार्डनिंग जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग साथ रहें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो जो जो मेरा भाई अभी न्यू है और ब्लॉग देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
ताकि मेरी हर आने वाली एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो जाओ सब्सक्राइब कर दो और हम लगाते हैं ये घर ऐसे ऐसे। चलो चलो भाई ये हटा दिया इसका हमारी फिंच, ये तुम रखो यार। कैसी हो यार? बोलते भी नहीं थी हमें इसको अभी तक, अभी शायद हमारे सामने नहीं बोलती है। तुम्हारा घर आ गया ये लो। ये दोस्तों उस कोने के अंदर लगाएंगे हम, उस कोने पे नहीं मतलब घुमा के इस कोने पे लगेगा। अब मैं इसको सेट करके लगाऊंगा सीधा, तो घर के अंदर इसका एक और घर हो जाएगा। बाकी बेचारी अकेली है बहुत, इसका मेल भी लाना है। हमने मेल के पीछे मैं लगा पड़ा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, किसी के पास हो तो मुझसे रब्ता करें ताकि हम इसका मेल देखें। कि इसका मेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हम इसका पेयर बनाते हैं। बाकी दोस्तों हमारे पास जो इसका एक ही छोटा सा आ गया है घर, यार बहुत प्यारा लग रहा है यकीन मानो, और कलर करके तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। एक चीज मैंने इस पे और सोची थी दोस्तों, पर वो देखता हूँ कि करूँ ना करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ग्रीन नहीं, इस पे येलो कलर भी हल्का हल्का सा कोई शेड मार दें तो बहुत प्यारा लगेगा। तो देखता हूँ अभी, नहीं तो इसको लगा देते हैं डायरेक्ट। पहले मैं देखूँ जाके कि लेकर आऊँ या नहीं आऊँ, पहले दुकान पे चलते हैं और कलर लेकर आते हैं। अगर नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो कर देंगे। तो दोस्तों एक चीज तो बहुत बड़ी खराब हो रही थी मेरे से, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता अभी यार। ये देखो आप के मैं दिमाग चला रहा हूँ लेकिन दिमाग चल नहीं रहा। बात ये दरअसल दोस्तों ये देखें इसका गेट तो इतना सा, तो इसमें वो घर कैसे लगेगा? अंदर तो जा नहीं सकता, वो लगेगा इसमें। इसका सोच के हम लाए और इसमें डाल लें, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, अब चेंजिंग कर रहे हैं इन दोनों को, तीनों को हम इसमें कर रहे हैं। और दोस्तों वो जो हमारा फिंच वो उसमें आ जाएगा जोड़ा। अगर एक और घर लाए तो दूसरा घर भी आराम से लगा देंगे, वो बड़ा है काफ़ी, तो उसमें अच्छे खासे फिंच रह सकते हैं हमारे जितने दिल चाहे। तो चले इनको मैं चेंज कर दूँ, तो अभी मेरे को बहुत काटने वाले हैं ये लोग, आप लोग देखते रहे। अचान ये लो क्या कर लें, चाचू चाचू क्या कर लें? काफी दिनों बाद कशान देखने को मिला होगा, कशान गए हुए थे नानों के घर पे अपने, है ना? इंजॉय करके आ रहे हो? तो ये एक कोशिश जारी है हमारे घर वालों की। मैं तो दोस्तों ग्रीन रंग कर दिया था, पर ये लोग बोल रहे थे नहीं सादा सादा लग रहा है, सादा सादा मैंने कर लो जो कर सकते हो। तो ये लोग उस पर नेल पॉलिश का तड़का लगा रहे हैं हल्का फुल्का, यार अच्छा लग रहा है वैसे। ये दोस्तों तो दोस्तों आखिरकार हमारा जो गोल्डन फिंच है वो अपने नए घर के अंदर ही जाने की कर रही है। वो देखो 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 गई, जाओ 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 जाओ, और ये गई अंदर। इसको समझ आ जाएगा कि ये इसका नया घर है, अब ये इसके अंदर जाके बैठ जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को अंधारी बच्चा दिखाऊं जो कल बीमार था हमारा यार, उसके पास चलते हैं, उसकी भी कंडीशन दिखाऊं उसको। दोस्तों अब मैंने इन सारों को ढकना शुरू कर दिया है, ये देखें पूरे का पूरा सारों को। इनको तो खैर अभी नहीं ढक रहा क्योंकि ये तो बड़े हैं, काले फैन हो गए, हीरा हो गए हमारे सारे के सारे बड़े हैं माशाल्लाह। ये हवा की इसमें इतने नहीं आएंगे जितने हमारे ये मासूम छोटे छोटे माशाल्लाह से कंधारी बच्चे हैं। बाकी आज हमारा मेन जो टारगेट था वो था फिंच का घर लगाना दोस्तों, तो वो हमने लगा दिया है। और बाकी में सामान के साथ साथ काफ़ी सामान भी हमारा आ गया है, जो ऊपर हमने पेट हाउस तैयार करना है वो तकरीबन यही कहलाएगा दोस्तों, मिनी छोटा सा भी यही तैयार कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम बढ़ाते जाऊँगा। तो अगर आप लोग आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में जॉब को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।